जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे यह नहीं जान पा रहे होंगे कि UPSSC PET का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है और उन कितना सैलरी उनमें मिले। पेट क्वालिफाई करने के बाद हम लोग ये देखा जाएगी किन किन पोस्टों की मेंस की परीक्षाओं में बैठा जा सकता है, और ये भी हम लोग अनुमान लगाएंगे कि पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, यानी कितना मार्क्स हम लोग ला दें ताकि मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकें। न्यूज़पेपर में निकला हुआ था लगभग 50,000 ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं जिनके लिए PET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और इसकी डेट भी घोषित हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है लेखपाल की। लेखपाल दोस्तों दो प्रकार के हैं यूपी में, लेखपाल चकबंदी और लेखपाल राजस्व। और इनका जॉब यही होता है कि गाँव में सरकारी ज़मीन की देख रेख करना, कि कोई भी सरकारी ज़मीन जो पड़ी हुई है उस पर कोई ग्रामीण कब्ज़ा न कर ले, और अगर कब्ज़ा कर लिया है तो उसको उस कब्जे से छुड़वाना और सरकार की अंडर में रखना और देख रेख करना। इसकी सैलरी दोस्तों 21,700 से लेके 69,100 के आसपास रहती है। और अब आइए बात करते हैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, वो है VDO यानी ग्राम विकास अधिकारी। यह भी दोस्तों लगभग लेखपाल की तरह ही है। इसकी भी सैलरी 20,700 से लेके 69,100 है, और इसका काम ये रहता है कि दोस्तों गाँव के सरपंच यानी प्रधान हैं उनके साथ मिल करके गाँव के विकास के लिए योजनाओं को बताना, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं आ रही हैं ग्रामीणों तक पहुंचाना, यानी ये सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं सरपंच के काम को सहायता करने के लिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो है वुमेन हेल्थ वर्कर यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। दोस्तों ये आंगनवाड़ी से एक लेवल ऊपर होती हैं। इनकी वेतन 21,700 से लेकर 69,100 तक होती है, और इनका ग्रेड पे 2000 के आसपास बनता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों। ये जितनी भी पोस्ट हैं अभी तक मैंने बताया वो 12th पास थी, लेकिन वुमेन हेल्थ वर्कर इसमें दोस्तों एक डॉक्टरी की डिग्री अवश्य मानी जाती है, यानी नर्स की डिग्री रहनी चाहिए। और उसके बाद अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वह है सुपर केन सुपरवाइज़र यानी गन्ना पर्यवेक्षक। जितनी भी आपके ज़िले में चीनी मिल है वहाँ पर दो या एक सुपर केन सुपरवाइज़र रखे जाते हैं। इनका काम यह रहता है कि किसानों के गन्ने की देख रेख करना और उनको समय समय पर उनके गन्ने की भुगतान करवाना, यानी जो गन्ना बेचते हैं किसान उनको उनका मूल्य समय समय पर पहुंचाना होता है, सरकार से मांग करके उनके तक खाते में दिया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और पोस्ट होती है LDC UDC क्लर्क यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क अपर डिवीज़न क्लर्क। दोस्तों ये सरकारी ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट होती है। इसकी वेतन जो है 19,200 से लेकर के 24,500 के आसपास रहती है। लोअर डिवीज़न क्लर्क पे ही पोस्टिंग होती है, बाद में 2-3 साल के बाद UDC में उनका प्रमोशन हो जाता है। यह क्लर्कियल काम है, क्लर्क में ही काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसकी वेतन आप लोग देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कृषि प्राविधिक सहायक। इसकी दोस्तों सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 है, लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ है जो BSc एग्रीकल्चर किए हैं, यानी एग्रीकल्चर में 2 साल का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हीं के लिए ये पोस्ट रखी जाएगी, और साथ ही साथ पेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करने के बाद। आइए अब आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक। इसकी वेतन दोस्तों 22,900 के आसपास रहती है। ये भी क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर की पोस्ट है। उसके बाद एक और पोस्ट है दोस्तों इंटरनल अकाउंट्स यानी आंतरिक लेखा। जो भी सैलरी मिलती है सरकारी कर्मचारियों को उनका लेखा जोखा इसमें होता है। इसकी सैलरी 29,200 जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये ग्रेजुएट लोगों के लिए ही मान्य है, और जो कॉमर्स से ग्रेजुएट रहेंगे और साथ साथ पेट क्वालिफाई रहेंगे उनके लिए ये पोस्ट रखी जाएंगी। ऑडिटर लेखा परीक्षा दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। इसकी भी सैलरी 29,200 के आसपास है, लेकिन ये दोनों लगभग पेट क्वालिफाई होने के साथ साथ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और ऊपर वाले में ये ऑडिटर में दोस्तों
आपको कॉमर्स यानी बीकॉम से ग्रेजुएट होना आवश्यक है, जबकि आंतरिक लेखा में आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट रहेंगे तो चलेगा। और जूनियर असिस्टेंट में भी दोस्तों ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और साथ ही साथ पेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब आगे देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दोस्तों ये प्रयोगशाला तकनीशियन ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। इसकी भी सैलरी आप देखिए 30,000 के आसपास है, 29,200 से लेकर 62,300 के आसपास। लेकिन दोस्तों ये भी सिर्फ साइंस वालों के लिए ही मान्य होगी और जो लेबोरेटरी से ग्रेजुएट होंगे यानी लैब का कुछ डिप्लोमा किए होंगे उन्हीं के लिए पोस्ट रखी जाएगी और साथ ही साथ वो पेट क्वालिफाई होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू होगा। जो वन का रक्षा करते हैं, जो सरकारी वन है उनकी देखभाल करते हैं, इसकी वेतन आप देख लीजिए 19,200 से लेकर 65,300 के आसपास है। सैलरी के अलावा दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिसमें डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता, स्टडी लीव यानी छुट्टियाँ भी दी जाती हैं। अगर आप आगे हायर पोस्ट के लिए यानी ISPCS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी लीव भी दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी और टेलीफोन यानी अगर इंटरनेट का काम आपके पोस्टिंग के दौरान यानी ऑफिशियल वर्क के दौरान अगर इंटरनेट की ज़रूरत है यानी टेलीफोन मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत है तो वो भी दिया जाता है। और साथ साथ ट्रैवलिंग अलाउंसेज, हाउस रेंट यानी अगर आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह पर हो रही है तो सरकार आपको रहने के लिए किराया भी देगी। तो ये सब मिलाकर लगभग 5,000 के आसपास होते हैं और ये सभी पोस्टों के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों सभी पोस्टों के लिए 5-6,000 रुपया अलग से दिया जाता है और ये निश्चित नहीं होता कितना दिया जाएगा। जितना भी पोस्ट मैंने आपको बताया है और सैलरी बताई है उसमें 5-6,000 और ऐड कर लीजिए। यहाँ पर लेखपाल का एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाह रहा हूँ। लेखपाल में जैसे 21,700 वेतन है, उसमें 5,000 आप अलाउंसेस भी जोड़ दीजिए तो 26,700 उसकी करेक्ट वेतन आपको हैंड में मिलेगी। यानी अलाउंसेस समय समय पर तय नहीं है कितना दिया जाएगा, ये आपकी पोस्टिंग और पोस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा और भी पोस्ट होती हैं जैसे युवा कल्याण अधिकारी। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इसके जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला युवा कल्याण अधिकारी होते हैं। उन्हीं के अंडर में हर ब्लॉक में लगभग 4-5 गांव को देखने के लिए एक युवा कल्याण अधिकारी बनाए जाते हैं, जो युवाओं से संबंधित रोजगार को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट और भी होती हैं दोस्तों, जो समय समय पर एग्ज़ाम होते रहता है, जैसे योगा अभ्यास के लिए भी पोस्ट आती रहती है। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा UP SSC PET का, क्योंकि यह एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिछले ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं UP SSC के उसके कट ऑफ को देखते हुए यहाँ पर आपको एक जनरल मार्किंग की तरफ बता रहा हूँ। जनरल का आप मान के चलिए 77 से लेके 85 तक रहेगा यानी 77 से 85, OBC का 75 से 83 और EWS का भी सेम रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा कम ही हो सकता है OBC से, क्योंकि आप देखेंगे दो तीन साल पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी 2 साल से तो लागू हुआ है EWS, तो उसमें कट ऑफ लगभग OBC के बराबर रहती है या कम रहती है, लेकिन जनरल से ज़रूर कम रहेगी। SC के लिए 68 से 75, ST के लिए 60 से 65 और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए 54 से 60 रहेगी। ये अनुमान दोस्तों एकदम करेक्ट अनुमान है। आप इसके ऊपर अगर मार्क्स ला रहे हैं तभी आप मान के चलिए कि आप पेट क्वालिफाई हैं। अगर आप पेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस के लिए अलग से फॉर्म आएंगे इन पोस्ट के लिए, उसके बाद भरा जाएगा। अब बात करते हैं अभी इस साल जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है अभी 1 महीने बाद, उसमें कौन कौन सी पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पर देखिए परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये दोस्तों सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, 9,212 पोस्ट हैं। राजस्व लेखपाल जो कि इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ज़्यादातर बच्चे इसी के लिए अप्लाई किए हैं, 7,882 पोस्ट है। कृषि प्राथमिक सहायक यानी जो BSc एग्रीकल्चर हैं और पेट क्वालिफाई हैं सिर्फ उनके लिए रहेगा, 1,817 है। राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट 1,137 है। आंतरिक लेखा में लेखा परीक्षक का 1,068 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गन्ना परिवेक्षक 874 है, वन विभाग में 694 है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरी सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों मैंने 2-3 मॉडल पेपर भी YouTube पर सॉल्व कराया है अपने चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसकी लिंक क्लिक करके प्लेलिस्ट में पहुंचकर UP SSC PET का
मर्डर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद।